हेलो दोस्तों, क्रिएटिव हैक्स चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हमें एक 2.5 mm फोम शीट को लेना है। अगर फोम शीट ना हो तो किसी कार्डबोर्ड या प्रोफाइल शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे सिंपल डिजाइनों में से आज एक ऐसे इजी और सिंपल डिजाइन की पेंटिंग को बनाकर दिखाने वाले हैं, जिसका नाम है ट्री लीफ वॉल पेंटिंग डिजाइन। फोम शीट के स्टेंसिल डिजाइन टेम्परेरी होते हैं और यूजफुल भी। अगर आप स्टैंडर्ड स्टेंसिल डिजाइन चाहते हो तो सनग्लास या प्लाईवुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेंसिल के लिए पतला प्लाईवुड का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि प्लाईवुड मोटा रहने पर एडजेस धुंधले लगेंगे और कॉन्ट्रास्ट भी ठीक नहीं लगेगा। इस लीफ के स्टेंसिल को कट करने के लिए एक शार्प एज कटर का ही इस्तेमाल करें, वरना लीफ के एडजेस का शेप ठीक से नहीं कटेगा। कटे हुए पत्ते के भागों को धीरे से अलग करें, वरना एडजेस टूट सकते हैं। जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से लीफ के स्टेंसिल को बना लीजिए। दोस्तों, 1 लीटर ग्रीन रॉयल एमल्शन 9349 पेंट को लेकर पूरे दीवार पर सिंगल कोटिंग को डालें और उसे 2 घंटों तक सूखने दें। रॉयल एमल्शन ब्लैक 8253 200 ml काफ़ी है इस लीफ डिज़ाइन के लिए। अब हमें कटे हुए लीफ स्टेंसिल को दीवार पर रखकर वीडियो में जिस तरह देख रहे हैं, ठीक उसी तरह से काले रंग का छिड़काव करें। मैंने इस सिंपल डिज़ाइन को अपने पेंटर्स के लिए बनाया है, ताकि वह इस डिज़ाइन की पेंटिंग को आसानी से डाल सकें। पत्ते को किस तरह और किस जगह पर रखकर स्प्रे करना है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना डिज़ाइन बिगड़ सकता है। इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें और एक अच्छे से ट्री लीफ डिज़ाइन को बना लीजिए। इस तरह के डिज़ाइन को आप गार्डन या लिविंग रूम में डाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो टेलीविजन के बैकग्राउंड वॉल पर भी मल्टी कलर्स के साथ इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। एलिवेशन के साइड बॉर्डर्स में अगर कहीं पे प्लेन कलर्स हो तो वहाँ पर लीफ टेक्सचर को बना लें। इस तरह के टेक्सचर को देखना हो तो वॉलकेयर पुट्टी वाले वीडियोस को सर्च करें। अगर आप सर्च नहीं कर पाए तो लिंक के लिए कमेंट कर सकते हैं। एक अच्छे डिज़ाइन को बनाने के लिए कभी कभी पेंट और एयर प्रेशर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिज़ाइन दूर होता जा रहा हो तो अपने आप को डिज़ाइन के पास पहुंचकर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। आपको फिर से बताना चाहूँगा कि पत्ते की प्लेसिंग ही इस डिज़ाइन की जान है। इस तरह से पूरे दीवार पर पत्ते के इस डिज़ाइन को सजा लें। यह डिज़ाइन सिंपल सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। इस तरह की पेंटिंग को डालने की कोशिश करें।
से दूर खड़े होकर स्प्रे करने से दीवार पर काला रंग फैलने लगता है। ऊंचे वाले हिस्से में किसी स्टूल का इस्तेमाल करके स्प्रे करें। इस तरह की समस्या को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छे और खूबसूरत ट्री लीफ वॉल डिजाइन को बना लीजिए। किसी प्रकार के डाउट्स हो तो कमेंट करें। जब परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ग्रीन और ब्लैक कलर की जोड़ी उनमें से एक है। चलिए एक नजर डालते हैं ट्री लीफ वॉल डिजाइन पेंटिंग पर। यह एक आकर्षणीय डिजाइन कहलाता है। देखने वालों के मन को मोह लेता है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह के वीडियोस के लिए देखते रहिए क्रिएटिव हक्स चैनल को यूट्यूब पर।